नेता किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नेताओं की खाली एक जात होती है वो कुर्सी, न किसी का भाई होती है, न उनका बेटा होता है, नहीं और नहीं तो देखना है तो पूरी राजाओं की और बादशाहों को, हिंदू का राजा होगा, मुसलमान का बादशाह होगा, इनकी पूरी हिस्ट्री तलाशी है। तो कोई अपने भाई को मारा है, कोई चाचा को मारा है, कोई गद्दी के लिए सीट के लिए, वही यहाँ चल रहा है। सीट के लिए सब कुछ करते हैं, इलेक्शन आया है, सब भैया बाबू, सब जात सब बराबर है, हिंदू बराबर, मुसलमान बराबर, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। बाकी ये नेता है, ये नेता होते हैं, ये लड़ाने अपनी कुर्सी के लिए ना मालूम क्या क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना फ्रॉड बोलते हैं, उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं मीडिया वाले, वो भी अपनी थोड़ी सी चीज़ को बहुत बड़ी दिखाते हैं, उसको आगे क्या कहना है सब जानते हैं। यही गोदी मीडिया तिल को ताक बना के दिखाती है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हाथी खड़ी कर देती है, और जहाँ आती है वहाँ ख़त्म बकरी खड़ी कर देती है। तो ज़्यादा विवादित तो यही हैं, ज़्यादा विवादित तो मीडिया कराती है विवाद। देखिए सपा बसपा ज़्यादातर आदमी इस खामोशी से बैठे हुए हैं कि देखो किसमें कितना ताकत, सब बसपा का तो समझ में नहीं आया, बसपा का तो नहीं आया, डूबी दिखाई पड़ी। अब आज़ाद आए हुए हैं, बोली भाषा तो अभी तक अच्छा है, इंसाफ बोलने का हिम्मत रखता है पट्टा, जो हमने देखा है मोबाइलों पर इंसाफ बोलने का तो पावर रखता है, लेकिन अब इंसाफ कब तक बोलेंगे। राजनीति से धर्म को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, हर आदमी को अपने अपने धर्म रहने का पूरा अधिकार है और रहना चाहिए। सपा के तो छोड़ चुके हैं मुस्लिम, अब जो तो अब उनके पास अब एक ही पार्टी बची है, कौन सी, वही तो हम जानना चाहते हैं, अब एसपी बची है, अब कोई सपा छोड़ चुके हैं, अब किसी में जाएंगे, सपा छोड़ चुके हैं, बीएसपी भी तो सब भागे एएसपी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके निषाद, दर्शक न्यूज 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर बता दें कि राजनीतिक सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। तो आज हम फिर से विधानसभा उपचुनाव की कवरेज के लिए फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। तो रास्ते से मैं जा ही रहा था कि यहाँ पर देखा कुछ लोग बाग बैठे हैं, आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग क्या सोचते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, कौन सा प्रत्याशी है जिसको ये लोग जिताकर विधानसभा भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बाग है जो बातचीत कर रहे हैं बैठ के। चाचा थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे आपसे, आप लोग बातचीत करेंगे, अरे चुनाव के बारे में पूछेंगे, वोट के बारे में पूछने वाले, थोड़ा सा बातचीत करिए, ये बताइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चाचा बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस चचा, क्या हाल चाल है? हाल चाल बताइए। बढ़िया है, सब ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। अरे कह रहे हैं चुनावी बिगुल जो है फूंक चुका है, लोग बागरण में उतर गए, अलग अलग पार्टी के अलग अलग दलों के जो नेता हैं अब वो अपनी अपनी सक्रियता क्षेत्र में दिखाने लगे हैं, तो क्या विचार है इस बार? अब विचार सब चल रहा है अभी जो, तो अब देखो आने वाले नवंबर में क्या जो तो अभी होता है। अरे 13 नवंबर को तो हाँ मतदान होना है, तो तैयारियां तो पहले से होगी ना, किसको चाहते हैं? अब लोगों में चर्चा चल रहा है, किसकी चर्चा चल रही है तो जानने, अभी तो जो तो चल रही है, देखिए छुपा रहे चर्चा नहीं। अरे कौन कौन सा वो प्रत्याशी है जो चर्चे में है जिसको आप चाहते हैं कि ये आए? अरे भाई सपा के तो छोड़ चुके हैं मुस्लिम, हाँ अब जो तो अब उनके पास अब एक ही पार्टी बची है, कौन सी, वही तो हम जानना चाहते हैं, अब एसपी बची है, एसपी। हाँ अरे वाह दोस्तों, सपा बीएसपी छोड़ मुस्लिम समाज भागा एएसपी के साथ, एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना यह है कि बहुत हो गया, जब हम बीएसपी का साथ दिए और सपा का साथ दिए, अब हम नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं एएसपी, है ना जी। प्रत्याशी कौन है? शाहिद अख्तर खान। शाहिद अख्तर खान, अरे एक मुस्लिम प्रत्याशी और हैं सपा से हैं मुस्तफा सिद्दीकी, उनको लेकर क्या विचार है? अभी तो उनके बारे में तो कुछ नहीं चर्चा है, कुछ नहीं चर्चा है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल चचा हैं, ये बताएं विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, होलपुर में मौजूद हैं, मलावा है ये, बड़ा मलावा, बड़ा मलावा, क्या विचार हैं? सब लोगों की नज़रें टिकी हैं आप लोगों पर। विचार ये है आपकी आज़ाद पार्टी दे गया है, सपा के सरकार से हट गई आज़ाद समाज पार्टी हमारे। देखिए सब लोग आप लोगों पर नज़रें इसलिए टिकाए बैठे हैं कि आपके ही समाज के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, उधर सपा ने भी बनाया है मुस्तफा सिद्दीकी जी को और आज़ाद समाज पार्टी ने बनाया है शाहिद अख्तर खान को, इन दोनों में से किसको देखते हैं आप? शाहिद अख्तर खान। शाहिद अख्तर खान,
क्या खूबियां हैं शाहिद अख्तर खान में? अरे कुछ खूबियां होंगी तभी तो आप उनसे मुस्तफा सिद्दीक के लिए जिताए के। अब भाई हमारे को विचार अलग हो गया है शाहिद अख्तर खान के देख। अच्छा अच्छा, परिचित हैं शाहिद अख्तर खान जी? अभी तो परिचित नहीं, परिचित हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा मुस्लिम समाज को हमेशा से सपा और बसपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, हाँ कि जाते थे तो या तो बीएसपी में जाते थे या फिर सपा में जाते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? अब कुछ सपा छोड़ चुके हैं, अब किसी में जाएंगे? सपा छोड़ चुके हैं, बीएसपी भी तो सब भागे एएसपी के साथ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम साहब। चुनावी बिगुल फूक चुका है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की बात करें जितेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी की बात करें मुतपा सिद्दीकी, आज़ाद समाज पार्टी से हैं शाहिद अख्तर खान, और वहीं पर दीपक पटेल बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। किसको पसंद करते हैं आप? अभी तो जिनकी जैसी ताकत होगी, जैसी सपा और आज़ाद पार्टी दोनों पार्टी में जिनकी जैसी ताकत होगी उसे उनके देखा जाएगा। अब रही बात, हमें सपा में हमेशा ज्वाइन रहते रहे, बिल्कुल कोर वोटर माना गया है, सपा को ज्वाइन करने हैं। अब देखते हैं ये आए हुए हैं कुछ लेके आएंगे कि खाली हम चले जाएं, वो भी गए हम भी गए, ये समझ में नहीं आता जो सच्चाई है। अच्छा, तो अब इनकी ताकत देखेंगे, जैसी ये ताकत देखेंगे, जैसे ये काम करेंगे। कौन काम करेंगे? शाहिद साहब। अच्छा शाहिद अख्तर खान। हाँ, जैसा ये काम करेंगे फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा, अभी तो कई दिन बाकी है सब। अच्छा शाहिद अख्तर खान के बारे में जिस तरह से आप बता रहे हैं, उनको जानते हैं पहचानते हैं या क्या? ये जानते तो नहीं, सुना है। अच्छा, सुना है, क्षेत्र के हैं। लेकिन अब जैसे इनका बहुत ज़्यादा नेतागिरी में अभी तो हाल में आए हुए हैं, बसपा से क्या नाराजगी? बसपा से कोई नाराजगी नहीं हमारी, हमें तो यही दिखता है कौन फार्म पे जा रहा है। अच्छा तो फार्म पे कौन? अभी क्या दिखेगा, अब जब ये प्रचार में निकलेंगे उसके बाद समझ में आएगा हाँ कौन कैसा चल रहा है। फिर कुछ तो विचार बनाया होगा आप लोगों ने कि किसको चुना जाए, किसको देखा जाए, किसको? हमें कहने सुनने की जरूरत नहीं है, हम किसके खिलाफ में वोट देते हैं ये सब जानते हैं, वो कहना सुनना दूर है। हम वोट ये चाहते हैं कि वोट बिखरे ना, किधर भी जाए एक तरफा वोट जाए, एक तरफा वोट कर घर जाएगा, एक तरफा जाएगा। अब देखना ये है कि कौन लोगों के दिलों को जीत पाता है, कौन किसका कितना दम दिखाता है, कौन वोट बाहर से लेके आता है दूसरे कौम का। ये रही बात, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, मतलब कि बड़ा प्लान है कि जो प्रत्याशी चाहे मुस्तफा सिद्दीकी हो या फिर शाहिद अख्तर खान हो, जो दूसरी बिरादरी का वोट लेकर आएगा, जिसके पास वोट बाहुल्य दिखेगा उसी को चुना जाएगा, उसी को चुना जाए भाई। अभी शांत बैठे हैं सब, शांत और कहने सुनने को तो बहुत कुछ कहते हैं, बाकी ये नेता है, ये नेता होते हैं, ये लड़ाने अपनी कुर्सी के लिए ना मालूम क्या क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना फराड़ बोलते हैं, उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं मीडिया वाले, वो भी अपनी थोड़ी सी चीज़ को बहुत बड़ी दिखाते हैं, उसको आगे क्या कहना है तो सब जानते हैं आदमी। हम भी झूठ बोलते हैं, सारी मीडिया झूठ बोलती है लमसम। अब हम तो आपके सामने बैठे, जो आप बता रहे वही हम सुन रहे हैं भाई। हाँ अभी तो सुन रहे हैं ना, लेकिन इसको चढ़ा बढ़ा के बताएंगे ना आप? हम कैसे बताएंगे, अरे जो 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 आप बोलेंगे वही चलाएंगे। हाँ लेकिन थोड़ा सा नमक मिर्च आपके पास भी है सब, और इसी तरह जो जो हमें बोलना था वो हमने आपके सामने ही बोल दिया, आपने जो बोला यही हम चलाएंगे। सही, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देख रहे हैं तमाम मोबाइल पर टीवी पर आता है, यही गोदी मीडिया तिल को ताड़ बना के दिखाती है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हाथी खड़ी कर देती है, और जहाँ आती है वहाँ खत्म बकरी खड़ी कर देती है। तो ज़्यादा विवादित तो यही हैं, ज़्यादा विवादित तो मीडिया कराती है विवाद, मीडिया कराती। तो हम लोग ये चाहते हैं पार्टी ऐसी है जो विवाद के चक्कर में ना रहे, इंसान के चक्कर में, विकास के चक्कर में रहे। नेता किसी का सगा नहीं, नेता किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, नेताओं की खाली एक जात होती है वो कुर्सी, ना किसी का भाई होती है, ना उनका बेटा होता है, नहीं और नहीं तो देखना है तो पूरी राजाओं की और बादशाहों को, हिंदू का राजा होगा, मुसलमान का बादशाह होगा, इनकी पूरी हिस्ट्री तलाशी है, तो कोई अपने भाई को मारा है, कोई चाचा को मारा है, कोई गद्दी के लिए, सीट के लिए, वही यहाँ चल रहा है, सीट के लिए सब कुछ करते हैं, इलेक्शन आया है, सब भैया बाबू, सब जात सब बराबर है, हिंदू बराबर, मुसलमान बराबर, इसके बाद ख़त्म हो जाता है सब। अच्छा चाचा, हमेशा से मुस्लिम समाज की वोट की अगर बात जहाँ पर आती है तो सपा और बसपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ चल रहा है, मतलब क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए सपा बसपा
ज़्यादातर आदमी इस खामोशी से बैठे हुए हैं कि देखो किसमें कितना ताकत, बसपा का तो समझ में नहीं आया, बसपा का तो नहीं आया, डूबी दिखाई पड़ी। अब आज़ाद आए हुए हैं, बोली भाषा तो अभी तक अच्छा है, इंसाफ बोलने का हिम्मत रखता है पट्टा, जो हमने देखा है मोबाइलों पर इंसाफ बोलने का तो पावर रखता है, लेकिन अब इंसाफ कब तक बोलेंगे ये भी देखना होगा। पहले जीते आए भाई, अब हमारी भी ये सोच होना चाहिए कि हम इनको लाएं तब देखें इनको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले इनको हक अधिकार दे के देखें, फिर किसी के पास कुछ नहीं रहेगा तो खरीदेगा क्या, जब होगा तब तो खरीदारी करेगा वो। बीजेपी बीजेपी का क्या रुझान है कुछ भाई? देखिए हम बीजेपी को तो उसके कार्यकाल में जो देखिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है बीजेपी से, लेकिन इतराज़ है खाली हिंदू मुसलमान धर्म, जाति धर्म मजहब धर्म, ये गलत बातें हैं। कोई भी आदमी कोई भी शख्स यार, जब गांव में घर में लफड़ा होगा तो घर कायदे से चलता नहीं। अच्छा सरकार की जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से क्या कुछ संतुष्ट हैं, क्या अच्छा लगता है कि विकास क्या हुआ है समझ में नहीं आया अभी। जुमलाए भी विकास तो बहुत दिखता है, तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर भागा भागा फिर रहा है, आईडी इतनी बनवाई जा रही है कि जो गरीब कमा के लगाए वो आईडी में दलाल लोग खा जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, किसको क्या कहोगे, फ़ायदा क्या है? अरे दुनिया के बकवास छोड़ के अगर विकास पे आए काम करो तो बीजेपी क्या खराब है, लेकिन हाँ धर्मों को अलग कर दे। राजनीति से धर्म को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने धर्म रहने का पूरा अधिकार है और रहना चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा मलावा गांव के समीप मौजूद थे, जहां पर हमने कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा उपचुनाव होगा तो इस बार किसको लोग बाग यहां से जिताकर विधानसभा भेजने वाले हैं। लोगों के बयान आपने बखूबी सुने, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।